चाय पियो, कप खाओ। जहाँ पर देखिए मार्चेंट ने भी के जो स्टूडेंट हैं वो अपना एक बेटर करियर जो है टी स्टॉल में ढूंढा है। आइए मिलकर जानेंगे लोगों से कि क्या मजबूरियां हैं या फिर क्या बात हुई जिसको ले करके इन्होंने टी हाउस खोलने का सोचा है। राजधानी पटना में जो है सो कि देखने को मिलता है ग्रेजुएट चाय वाले, सीटेड बीटेड चाय वाले, एमबीए चाय वाले, और एक नया देखने को मिल रहा है मार्चेंट टी लॉ, चाय पियो चाय खाओ का नया स्टॉल। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनके ऑनर, क्या नाम हुआ आपका सर? अभिनव सिंह यादव मेरा नाम हुआ। अभिनव सिंह यादव। देखिए आप पटना में तो बहुत सारे टी स्टॉल देख ही रहे होंगे आप भी। और तो आपने जो टी स्टॉल खोला, क्या सोच कर खोला है? बहुत सारे मैंने टी स्टॉल देखे, लेकिन मेरा जो टी है वो मतलब यूनिक है। ये मतलब बिहार में फर्स्ट टाइम है, चाय भी पियो और कप भी खा जाओ। हाँ सर, आप एक यंग हैं और मतलब चाय का स्टॉल खोले हैं, क्यों मतलब ये नहीं किया, अप्लाई वगैरह नहीं किया? नहीं सर, नहीं किया। एक्चुअली मतलब मैं मर्चेंट नेवी का कोर्स किया हूँ, मर्चेंट नेवी का स्टूडेंट हूँ। हम दोनों दोस्त हैं, तो एक्चुअली हम लोग ये कोर्स किया, उसके बाद हम लोग को काफ़ी मतलब समय है, अभी जॉब के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बार बार कंपनी में मेल वगैरह डाल रहे हैं, मुंबई भी गए थे हम लोग जॉब के लिए, सभी जगह इंटरव्यू भी दिए, लेकिन अभी उसमें काफ़ी समय है। तो हम लोग उधर मुंबई जब गए थे तो उधर देखे एक नया यूनिक चाय मतलब एक जगह मिल रहा था स्टॉल पे, चाय पियो और कप खा जाओ। तो हम दोनों के पास एक नया आइडिया आया, कॉन्सेप्ट आया, तो हम लोग मतलब ये एकदम यूनिक था, पटना में एकदम नहीं था। तो हम सोचे अपने शहर में पटना में भी इसको लेकर आए, जब तक जॉब नहीं होता जब तक हम लोग एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं। तो हम लोग पटना में लेकर आए हैं, एकदम यूनिक है, अभी पटना में किसी के पास ये शायद अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, तो ये जो टी स्टॉल आप लोगों ने खोला है, तो क्या ये आगे का जो भविष्य है, क्या इसी में सोच लिया या फिर जॉब के लिए करना है तैयार? जॉब के लिए तो एकदम अभी ट्राई करना है, और सारी कंपनियां में भी एक दो जगह इंटरव्यू और हम लोग को देना भी है। तो जैसे अभी मतलब टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए हम लोग जस्ट मतलब अभी टाइम ही वेस्ट होता है हम लोग को बिल्कुल। तो हम लोग सोचे टाइम वेस्ट करना से अच्छा कुछ अपना एक नया स्टार्टअप कर लेते हैं, तो फिर जॉब होगा तो उसके बाद हम लोग देखा जाएगा। अच्छा, ये तो मतलब यूनिक चीज़ हो गया आज के टाइम में, यूनिक नहीं जेन्युइन हो गया कि हर कोई टी स्टॉल खोल रहा है। आखिर टी स्टॉल ही क्यों और कुछ क्यों नहीं? ये मतलब कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट देता है, तो हम लोग तो अभी स्टूडेंट, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं कि और कुछ कर सकते हैं। तो ये मतलब चाय है ना जो कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट देता है। तो हम यूनिक इसलिए है कि हमारे पास ये कप अप है, ये नो वेस्ट पे हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। एक और हमारे पास कप है चॉकलेट वाला, जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत लोग पसंद कर रहे हैं इसका। यही एक रीज़न है कि हम लोग को मतलब अच्छा इनकरेज मिला, तो हम लोग इसमें ही आगे अब बढ़ रहे हैं। जॉब तो वो तो है, जो टाइम पे होगा, जब रिक्वायरमेंट आएगा तब हम देखेंगे, भरोसा है जॉब होगा। हाँ, लेकिन अभी जो है हम लोग कस्टमर से हम अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हम लोग कभी करने में अच्छा लग रहा है। और तो जब पूरे दिन टी मतलब चाय बेचते हैं, किस टाइम पढ़ाई कब करते होंगे आप? पढ़ाई सुबह में क्लास करते हैं, फिर दोपहर से यहाँ चाय लगाते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक ये स्टॉल खुली रहती है? स्टॉल 2 बजे से रात के 8 बजे तक। 2 बजे से रात के 8 बजे तक। आप दोनों पार्टनर हैं? यस। पार्टनरशिप कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। कितने दिनों से ये खोल रखा है? ये लगभग 2 महीना हो गया। हाँ, अच्छा। कस्टमर भी आते होंगे? कस्टमर आते हैं, सेल्स भी लगभग 200-250 कप है। 200-250 कप सेल कर लेते हैं, तो 200-250 कप भी बहुत कम होगा ना अभी? अभी 200-250 कप कम है, लेकिन हम लोग को हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि कस्टमर से हम अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो उन्होंने भी कहा कि थोड़ा सा जमने में टाइम लगता है, हमने भी ये देखा जब हम लोग चला रहे हैं, तो हमें एक्सपीरियंस हो रहा है कि हाँ जमने में टाइम लगता है। शुरुआत में तो 50 कहीं बिका था, अभी 250 तक पहुँचे हैं, अगर आगे 500-1000 तक वही पहुँचेंगे। कितने में एक कप चाय जो आप देते हैं? 2-3 तरह का यहाँ पे चाय फ्लेवर रखे हुए, कौन कौन सा? नॉर्मल जो कप है, पेपर कप है, उसमें 10 का है। फिर हमारे पास वो देख रहे हैं बिस्किट कप है, उसमें 20 का है। फिर एक और हमारे पास कप है चॉकलेट का लेडिंग है उसमें अंदर से, वो 30 का है। हाँ, वो डिमांड ज़्यादा है उसका, इसलिए और प्रोडक्शन में उसको टाइम लगता है। हमें लोग इसी करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोडक्शन में उसका टाइम लगता है, तो वो भी कल परसों में आ जाएगा। हाँ, कल ही खत्म हुआ है वो भी। कैसा महसूस हो रहा है अभी? अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ सर, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। उन्होंने बताया कि हम जब पहली बार मुंबई गए, किसी चीज़ का एग्जाम देने गए होंगे,
तो गए तो वहाँ पे देखा कि भाई एक यूनिक तरीके से दुकान खुला हुआ है वहाँ पे अलग अलग फ्लेवर में चाय का। तो वहीं से ये लोग मन बना के आए थे कि हम जब पटना वापस जाएंगे तो एक टी स्टॉल खोलेंगे, और काफ़ी बेटर चल भी रहा है इन लोगों का। और मेन इन लोग का टारगेट यही है मर्चेंट नेवी क्रैक करना, निकालना मर्चेंट नेवी निकालना। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए देखते रहिए मघियाबाज। सौरभ सिंह, धन्यवाद।